हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे वॉइस ऑफ द रेन पोयम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये पोयम रिलेटेड है क्लास 11th के सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द पोएट कॉल द पोयम अ ट्रांसलेशन। पोयम को ट्रांसलेशन पोएट ने क्यों कहा है। द पोएट आस्क द रेन, पोएट ने पूछा रेन से हु आर यू। द रेन answers द क्वेश्चन इन इट्स हेवनली वॉइस, और बारिश ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी हेवनली वॉइस, हेवनली वॉइस मतलब जैसे ईश्वर की आवाज, एक आकाशवाणी की तरह एक आवाज सुनाई दी। दिस हेवनली वॉइस ऑफ द रेन कुड ओनली अंडरस्टूड बाय द पोएट, और ये जो आवाज थी हेवनली वॉइस, ये केवल अंडरस्टूड समझी जा सकती थी पोएट के द्वारा। जो कवि हैं बस वही उस आवाज को समझ सकते थे। सो ही हैज टू ट्रांसलेट दैट आंसर इन सिंपल इंग्लिश, इसीलिए पोएट को ट्रांसलेट करना पड़ा वह आंसर सिंपल इंग्लिश में। एंड सेज द पोयम अ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना पड़ा वो आंसर क्योंकि एक अलग प्रकार की भाषा थी जिसे पोएट समझ सकते थे और कोई नहीं समझ सकता था। तो फिर पोएट ने उस भाषा को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि दूसरे लोग भी उस आंसर को समझ सकें, और इसीलिए ये पोयम एक ट्रांसलेशन कहलाती है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द रेन डिस्क्राइब हरसेल्फ। रेन अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करती है, बताती है। द सॉफ्ट फॉलिंग शावर कॉल्स इटसेल्फ द पोयम ऑफ अर्थ। सॉफ्ट फॉलिंग, धीरे धीरे गिरता हुआ शावर, बौछार, कॉल्स इटसेल्फ द पोयम ऑफ अर्थ, अपने आप को धरती की कविता, धरती की पोयम कहती है। इट इज इमॉर्टल, यह अमर है। इमॉर्टल मीन्स अमर, जो कभी नहीं खत्म होता, हमेशा इस धरती पर जीवित रहेगा। इट मे चेंज इन शेप, यह आकार में बदल सकती है। But it remains the same water, लेकिन यह वही पानी बनी रहती है। बारिश का आकार चेंज हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, और जहाँ जाएगी पानी अपना आकार बदल लेगा, लेकिन सेम वाटर तो वो रहता ही है हमेशा। तो इसीलिए इस तरह से बारिश ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम से व्हाट इट मींस। ऊपर पोयम की लाइन दी गई है, पोयम की एक्चुअल लाइन है कि ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से बदल जाती है, एंड येट द सेम, फिर भी एक समान रहती है। इसका मीनिंग हमें बताना है। द वाटर ऑफ सी इन समर टर्न्स इनटू वाटर वेपर। समर में समुद्र का पानी वाटर वेपर में चेंज होता है। दैट राइजेस टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और वो फॉर्म ऑफ क्लाउड्स बादलों के रूप में स्काई में ऊपर चला जाता है। द क्लाउड्स कम डाउन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, और वो बादल फिर से रेन वाटर के रूप में नीचे आ जाते हैं। सो रेन वाटर में चेंज इन शेप, इस तरीके से, इसलिए रेन वाटर में चेंज इन शेप, आकार में बदल सकता है बारिश का पानी, बट इट रिमेन्स द सेम वाटर। जो डिस्कशन अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था उसी थीम पर बेस्ड ये आंसर आपको लिखना है। हमने इसमें वही बात बताई है कि वाटर वेपर किस तरह से बादल बनती है और फिर बादल फिर से बारिश बनते हैं, तो पानी तो वही का वही रहता है, बस उसका रूप बदलता रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज इट डिसेंड। यह किस प्रकार डिसेंड, नीचे उतरती है, धरती पर आती है। तो यहां पर इट किसे कहा गया है, व्हाट डज इट डू, यह क्या करती है। तो हमें दोनों ही बातें बतानी होंगी इसमें कि इट हम किस लिए कह रहे हैं, किसे बता रहे हैं कि कौन नीचे उतरता है। इट का मतलब यहां पर क्या है, और जो भी है ये इट, ये क्या करता है। तो हम यहां लिखेंगे हियर इट रेफर्स टू रेन, यहां पर इट का मीनिंग है रेन, दैट डिसेंड और कम डाउन टू द अर्थ, जो
डिसेंड नीचे उतरती है, कम डाउन होती है धरती पर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड. एज अ क्लाउड इट टेक्स ऑन फनी एंड इट एज अ क्लाउड इट टेक्स ऑन फनी एंड टेरिफाइंग शेप. दो बार लिखा गया है ये मिस्टेक से एंड. तो जैसे कि बादल के रूप में ये आती है तो फनी नजर आती है. टेरिफाइंग शेप कभी कभी डराने वाला आकार भी होता है, क्योंकि बादलों का रूप कभी किसी की शेप ले लेता है तो वो फनी नजर आता है. और कभी कभी बादल इतने काले और पहाड़ जैसे बहुत घने बहुत ही ब्लैक थिक बादल होते हैं तो वो डराते हैं, टेरिफाइंग शेप ले लेते हैं. When it comes down, जब यह नीचे आती है, it waters the dry field, तो यह सूखी जमीन को, सूखे मैदानों को water, पानी देती है. बारिश जब नीचे आती है तो forest को, तो fields, मैदानों को और forest को जो dry हैं, उन्हें पानी देती है. It washes away dust particles, और यह डस्ट पार्टिकल्स को धो देती है. एंड गिव अ न्यू लाइफ टू सीड, और बीजों को जो धरती में छुपे हुए हैं उन बीजों को नया जीवन देती है. तो हमने यहाँ इस आंसर में बताया कि बारिश क्या क्या करती है. नेक्स्ट इज नंबर 5. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैंने दिया वापस जीवन टू माई ओरिजिन, मेरी अपनी ही उत्पत्ति को. यहाँ पर हमें ये बताना है हाउ डज द रेन डू इट. रेन जो ये अपने बारे में कह रही है कि मैं अपना जीवन वापस अपने आप उत्पन्न करती हूँ, तो वो कैसे करती है ऐसा. द रेन ओरिजिनेट्स, बारिश ओरिजिनेट उत्पन्न करती है, डिवेलप करती है, ग्रो करती है फ्रॉम द लैंड एंड सी, धरती से और समुद्र से. इट rises टू द sky, यह आकाश तक ऊंची जाती है ओनली टू कम डाउन अगेन. और आकाश में ऊंची बादलों के रूप में जब ये जाती है तो फिर किस लिए जाती है, टू कम डाउन अगेन, दोबारा धरती पर वापस आने के लिए. इट enables द seeds टू सपोर्ट, सीड्स को, बीजों को सपोर्ट करती है, बीजों को अंकुरित करती है. स्प्राउट मतलब अंकुरित करना, एंड ग्रो और उन्हें बड़ा करती है. धीरे धीरे पौधा पेड़ बनता है पानी मिलने से. वाटर इज द सोल ऑफ नेचर, पानी इस प्रकृति की आत्मा है. विदाउट रेन, बिना बारिश के द अर्थ वुड बिकम अ डेडली डेजर्ट, ये धरती एक घातक, एक डेड डेजर्ट के रूप में, रेगिस्तान के रूप में बन जाएगी अगर बारिश नहीं होती है तो. तो ये आंसर हम लिखकर ये बताएंगे कि बारिश अपने आप को किस तरह से दोबारा जनरेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब नंबर 6. व्हाट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द रेन. फुलफिलमेंट ऑफ द रेन का मीनिंग है कि बारिश अपने आप में किस तरह से संपूर्ण है. द फुलफिलमेंट ऑफ द रेन इज इन द सर्विस ऑफ नेचर, बारिश अपने आप को पूर्ण मानती है. क्यों? क्योंकि वह प्रकृति की सेवा करती है. इट गिव्स अ न्यू लाइफ टू सीड्स, टू ग्रास एंड टू अर्थ, यही उसका जीवन है, इसी चक्र में उसको बने रहना है, क्योंकि वह देती है न्यू लाइफ टू सीड्स, नया जीवन बीजों को, घास को और अर्थ को. धरती का अस्तित्व बारिश के कारण ही बना हुआ है. धरती पर ये हरियाली, ये घास, ये बीज तभी नया जीवन पाते हैं जब बारिश होती है. और बारिश का चक्र वही है कि पहले पानी से भाप, भाप से पानी बनना, यही उसका फुलफिलमेंट है, उसका संपूर्ण अस्तित्व है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश होते हैं आपके ये 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द पोयम वॉइस ऑफ द रेन. ये क्वेश्चन आपको स्टेंजा क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं और सिंपली आंसर देने के लिए भी आ सकते हैं. इससे आपको पूरी पोयम समझ में भी आई होगी. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.